नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। गोपालगंज जिले के हतुआ थाना अंतर्गत बारवा कपलपुरा गांव में आज अपराधियों ने एक व्यक्ति व्यवसायी नरेंद्र सिंह उर्फ नागिन सिंह पर उनके दरवाजे पर ताबड़तोड़ फायरिंग का जानलेवा हमला किया। इसमें वो बाल बाल बचे। घटना के बारे में बताया जाता है कि हतुआ थाने के बारवा कपलपुरा गांव निवासी नागिन सिंह की हतुआ रैंक पॉइंट पर गिट्टी का कारोबार तथा कुछ दिन पहले कुख्यात विशाल सिंह ने उनसे 5 लाख तंगदारी मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने थाने में प्राथमिकता भी दर्ज कराई थी। और आज सुबह वह अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, तभी दो बाइक पर सवार 4 अपराधी पहुंचे और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग का जानलेवा हमला कर दिया। जबकि वही नागेंद्र सिंह किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची हटुआ थाने की पुलिस ने 4 भूखे पर मार। वही पीड़ित नागदेव सिंह ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि विशाल सिंह द्वारा पूर्व में 5 लाख की रंगदारी की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत मैंने थाने में लेकर कई आला अधिकारियों से किया था और आज अपराधियों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। मैंने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई है। गोपालगंज से हमारे संवाददाता जमीर नागेंद्र सिंह, गिट्टी व्यवसायी, ग्राम कपरपुरा थाना हथुआ का निवासी हूँ। मेरा स्टोन चिप्स का रेक लगता है और अति है 6 महीना 7 महीना पहले 5 लाख रुपया रंगदारी विशाल सिंह हमसे मांगे थे और हम जाकर के एसपी साहब को भी बताए, थाना में FIR भी किए हैं और एसपी साहब बोले कि आप आर्म्स ले लीजिए। हमने थाना से लिखवा करके एसपी साहब के यहाँ दिया। एसपी साहब दूसरे दिन डीएम साहब के यहाँ भेज दिए और डीएम साहब लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। आज सुबह मैं अपने घर से दरवाजे पे बैठा हुआ था, 4 अपराधी आए ऐसी है बाइक से और हमारे ऊपर गोली 4 फायर किए। हम बाल बाल बचे हैं, इसलिए हमारे जान का सुरक्षा का कोई इंतजाम सरकार करे। पुलिस क्या बोली है? पुलिस बोली है कि ठीक है, हम देख रहे हैं। आवेदन दे दिया आपने थाना पर? नहीं, अभी आवेदन देने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।